दोस्तों, आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि लोग अपने पैसों को बहुत शो ऑफ करते हैं। इस तरह की वीडियोस आपको ज्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक और कभी कभी यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाती होगी, पर हमेशा ये पूरी तरह सच नहीं होता। एक बार एक ऑथर ने कहा था कि रियल रिच वही है जिसके पास रियल में कितना पैसा है ये उसके अलावा कोई नहीं जानता, और ना वो खुद कभी अपने मुंह से बताता। ये तो मीडिया और लोग ही हाइप क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मनी रूल्स बताऊंगा जो मिडिल क्लास लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 1, अगर आप सिर्फ पैसा लग्जरियस थिंग्स खरीदने के लिए कमा रहे हो तो ये आपको बंद कर देना चाहिए। आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आपको ये समझना जरूरी है जब तक आप उस पैसे को कई हजार गुना मल्टीप्लाई नहीं कर लेते और मिडिल क्लास से हाई क्लास में खुद को ट्रांसफर नहीं कर देते, तब तक आपको लग्जरियस थिंग्स से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। आजकल लोग सोशल मीडिया पर शो ऑफ देख के खुद भी उसी रास्ते पर चल देते हैं, जबकि आपको खुद नहीं पता होता कि सामने वाले की रियलिटी क्या है। तो इस तरह की चीजों के बहकाव में आने से हमेशा बचना चाहिए। रूल नंबर 2, कभी भी ऐसे इंसान को ज्यादा पैसे ना दे जिससे आप पैसा वापस मांग नहीं सकते। किसी की मुसीबत में हेल्प करना अच्छी बात होती है, मगर जितना आपके पास खुद नहीं है उससे ज्यादा किसी की हेल्प करना आपको कभी बेनिफिट नहीं देगा। अगर आप सामने वाले इंसान से पैसा नहीं मांग सकते बिकॉज वो आपका कोई क्लोज वन है, ये रूल आपको हमेशा याद रखना चाहिए और कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। रूल नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट कि डोंट बी अ स्लेव टू मनी। आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का गोल बनाकर ही चलना होगा, जिसमें आप सिर्फ पैसों को सोचकर नहीं चलेंगे। आपको जिंदगी में हमेशा पैसों से ऊपर रहने की सोचना है, पैसों को अपने ऊपर रखने की नहीं। जहां पैसा हो वहां आप नहीं होने चाहिए, बल्कि जहां आप हो वहां पैसा होना चाहिए। आप जिंदगी में जितनी खुद की वैल्यू बनाएंगे तो उससे कई गुना ज्यादा आपको उस वैल्यू का प्रॉफिट मिलेगा, पैसों में और आपके फेम में। अगर आपकी पहचान आपके पैसों से होती है तो मतलब आप गलत दिशा में चल रहे हैं। आपकी पहचान आपके काम से होनी चाहिए। एलोन मस्क को लोग उनके स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनीज से जानते हैं, जेफ बेजोस को लोग उनके अमेज़न से, टिम कुक को एप्पल से, और वॉरेन बफेट को लोग इसलिए नहीं जानते कि वो स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। ऐसा तो करोड़ों लोग करते हैं। उन्हें लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी दुनिया में सबसे अलग है। इसी तरह आपको भी अपना एक अलग करैक्टर रखना होगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को जरूर समझ पाए होंगे। अब आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर देना। वीडियो यहां तक देखी तो एक लाइक कर देना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।